कितने लोगों का आप सोशल मीडिया अकाउंट हैक आपने किया है, अपने फ्रेंड्स का किसी का किया है, या अपने घर पे किसी रिलेटिव का, किसी कजन का, भाई बहन किसी का, अगर आपने अभी तक कुछ भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट या कोई वेबसाइट अगर आपने हैक की है? चाइनीज वेबसाइट काफी हमने हैक की है, इंडिया के भी काफी हमने वेबसाइट हैक की थी, उनमें रिपोर्ट किया था। ये बोल के ब्लैकमेल किया है कि मैं तेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लूंगा या मैं वायरल कर दूंगा? वो अभी भी इस बात से डरते हैं, वो बोलते हैं कि इसे पंगा मत लेना, ये हैक कर देगा। लोग समझते हैं कि हैकिंग, जब वो सुनते तो वो सिर्फ ये सुनते हैं कि वेबसाइट हैकिंग और बैंक फ्रॉड, पर बैंक फ्रॉड स्कैमिंग और हैकिंग में फ़र्क होता है। हैकिंग हम उसको बोलेंगे जब हम पर्टिकुलर किसी स्टेप बाई स्टेप किसी प्रोसेस से अपनी लर्निंग से कुछ का उस एन्यूमरेशन करेंगे, अटैक करेंगे। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए आपने बहुत सी टर्म सुनी होंगी, जैसे कि मालवेयर अटैक, फिशिंग अटैक और यहाँ तक कि हैकिंग भी। और आजकल की जनरेशन की अगर बात करें तो आजकल की जनरेशन इन टर्म्स से वाकिफ ज़रूर है, बहुत बार इन टर्म्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है और कई बार शिकार भी होते हैं इस तरह की हैकिंग का, लेकिन उसे किस तरह से आप सही कर सकते हैं या फिर क्या कुछ डूज एंड डोंट्स होने चाहिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप इस तरह की हैकर्स के हाथ जो है वो ना चढ़ पाएँ या फिर इस तरह के अटैक्स का आप शिकार ना हो पाएँ। और आज मेरे साथ एक हैकर, मैं कहूंगी एक एथिकल हैकर मेरे साथ हैं, ऋषि शर्मा इनका नाम है और अभी 10th पास आउट हैं लेकिन हैकर बन चुके हैं। और किस तरह से इन्होंने ये हैकिंग सीखी और किस तरह से टेक्नोलॉजी में ये इतना ज़्यादा घुस गए हैं कि अब इन्हें इसी में अपना फ्यूचर बनाना है। तो सबसे पहले तो ऋषि अपने बारे में बताइए कि कौन से स्कूल से हैं और कब से आपने ये हैकिंग शुरू की? मेरा नाम ऋषि कुमार है और मैं रिछावे स्कूल में पढ़ रहा था टिल 10th। अब व्हेन आई वाज 11-12 इस एज में मैं प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट बना रहा था, क्योंकि मेरे पास पीसी पहले से था फ्रॉम बाय द एज ऑफ व्हेन आई वाज 5-6 ईयर ओल्ड। तो उस टाइम पे मेरे पास एक कंप्यूटर था और मैं उसमें चेक करता था, मतलब विद अदर स्टूडेंट्स आई सी दैट कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बना पाते थे, पर मैं तब तक माइक्रोसॉफ्ट एंड अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मैं सीख चुका देख चुका था कि हाँ ऐसे मैकेनिज्म होता है। फिर मैंने हार्डवेयर के रिगार्डिंग स्टडी की, मैकेनिक्स के रिगार्डिंग स्टडी की, मदरबोर्ड्स के रिगार्डिंग स्टडी की। तो इन द एज ऑफ 10-11 इंटरेस्ट जागा प्रोग्रामिंग, मैंने कुछ कोर्सेज किए, पर उस जब पुलवामा अटैक और आर्टिकल 37 ए अबॉलिश हुआ तो उस टाइम पे प्रॉब्लम्स हुई जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट के रिलेटेड, और इंटरनेट 2-3 ईयर्स के लिए शट डाउन हो गया। और फिर जब वापस इस्टेब्लिश हुआ तो 2G स्पीड में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसमें मेरे पास एसेसरीज भी नहीं थी, मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था। फिर मेरा इंटरेस्ट बना जब मैं कनेक्ट हुआ ऑनलाइन इंस्टाग्राम के थ्रू एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन के थ्रू कुछ आउट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स मैंने उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया, जब मैंने उनको देखा कि हाँ मतलब ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने जिस चीज़ के बारे में सर्च करते गए तो उसके बारे में मेरे को लोग मिलते गए। फिर मैं कनेक्ट हुआ और मेरे विलेज में वाईफाई जब आया तो उसके कुछ अराउंड लास्ट 1 साल हो चुका है मेरे विलेज में वाईफाई नहीं था, तो घर वाले ने वाईफाई कनेक्शन उस टाइम दिलवा दिया, और पर उनको नहीं पता था कि हाँ ये मतलब हैकिंग, वो उनको सपोर्ट भी नहीं पर इन्फ्लुएंस नहीं है इतनी कि उनको नहीं पता कि हाँ गलत या ठीक, वो बस ये कहते हैं मेरे को कि कुछ गलत मत करना बस, और अपनी स्कूल स्टडीज़ को मैनेज कर लेना। तो उस तरह फिर मैंने कंटिन्यू किया, तो नवंबर में मेरे पास लैपटॉप आया तो तब मैं कनेक्ट हुआ सबसे। फिर आउट ऑफ इंडिया मैक्सिमम इन्फ्लुएंस आउट ऑफ इंडिया से मिली जब मैंने दोस्त बने, और मेरी एज के मेरे से अराउंड 20-22 एज के थे और कुछ 40-50 एज के लोग भी थे, तो उनसे मैंने पूछा कि कैसे को, पर उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई कि तुम किसी को पूछ के नहीं सीख सकते, तुम हमेशा अगर तुमने सीखना तो वो तुम्हें खुद ही देखना कि तुम्हें कैसे सीखना। तो रिसोर्सेज की बात ही, तो मैंने कोई कोर्स नहीं लिया, मैंने एक बुक खरीदी और एक ऑनलाइन यूट्यूब से या अलग वेबसाइट से, यूट्यूब पे एथिकल हैकिंग सीखने को मिली पर उतनी डिटेल में नहीं थी, क्योंकि यूट्यूब पे कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से वो वीडियोस रिमूव हो जाती थी अगर वो गलत ना भी हो। फिर मैंने रिसर्च की तो इंडिया में मैंने सोचा कि और आफ्टर 12th में कोई फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी में देखना है। फिर मैंने फ्लॉज हमने इकट्ठे, मेरा एक फ्रांस का फ्रेंड था उसका कनेक्ट हूँ मैं, मतलब अच्छा जिसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, और हमारी यहाँ तक मतलब अंडरस्टैंडिंग थी कि ऑफलाइन हमने सोचा मीटिंग करने का, पर बाय द जब अभी लास्ट दिसंबर जनवरी फरवरी में जब ये रशिया का और यूक्रेन का भी काफ़ी इनका बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे, तो US फ्रांस ये सब साइबर अटैक्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए, जिस वजह से हमें बोला गया कि इन्फ्लुएंस मिलती गई लोगों से कि हाँ
अगर हमें कोई वेबसाइट रिपोर्ट करनी है, हमें अलग अलग बग्स को रिपोर्ट करना है वेबसाइट्स में उन लोगों के डाटा की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जो ये वेबसाइट्स होती हैं, हर कोई वेबसाइट उसमें पर्टिकुलर किसी बिजनेस चल रहा होता है, उस बिजनेस में किसी लोगों का डाटा, एम्प्लॉयज़ का डाटा भी होता है, उस एम्प्लॉय के डाटा को कोई हैकर स्टील करता है और फिर उसको सेल कर देता है और उन मासूम लोगों को हैक कर देता है और इकोनॉमिक इशू जाते हैं उनके घर में, जो उनको स्कैम किया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि हाँ आपका नाम ये है और हमें आपकी इन्फॉर्मेशन पता है और वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने खरीदी होती है हैकर से। तो नहीं, हम वेबसाइट डिफरेंट वेबसाइट को हम स्कैन करते थे, हमने कुछ वेबसाइट हैक भी की उनको, चाइनीज़ वेबसाइट हमने कुछ हैक की काफ़ी सारी, फिर और भी कंट्रीज़ की वेबसाइट की, पर मोस्टली हमने चाइना पे अटैक किए थे काफ़ी, जब उनको रिपोर्ट किया डाटा वो सेफ़ नहीं रख रहे थे, उन्होंने हमारी रिपोर्ट्स कंसीडर नहीं करते थे, बाय ईमेल हम फॉर्मेलिटीज़ भेजते थे कि आपकी रिपोर्ट में ये इशूज़ हैं, पर फिर हमें हैक करना पड़ता है, जब उनकी वेबसाइट्स को हम हैक करते थे तभी वो ये एक्शंस लेते थे। उसके बाद फिर मैंने चेक करता रहा अराउंड, मैं सोचता था 11th 12th में कोई कोर्स करूँगा, मेरे को कहीं गवर्नमेंटल हेल्प चाहिए कि जिस वजह से मैं जो अपने प्लान्स उसको प्रोसीड कर पाऊँ। फिर मैंने रिसर्च की तो चेक किया कि इंडिया में सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हर कहीं हैं, मतलब ऑल अराउंड, हमें कॉमर्स फील्ड में कुछ करना हम कर सकते हैं, मैं नॉन मेडिकल रख के हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पर हर किसी को ये है कि हाँ मतलब नीट या JEE पे फोकस करता है और कोई नीट पे फोकस करते हैं, कोई कॉमन एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश करता, पर लोग ये नहीं समझते हैं कि एक न्यू अलग अलग फील्ड्स में जब तक तुम नहीं देखोगे, तुम्हें अपने फ्यूचर भी चेक करना है, तुम्हें ये नहीं कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो वही तुम कर पाओगे। बिल्कुल ऋषि, जिस तरह से आपने बात की कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं या जो सोसाइटी है वो मेन स्ट्रीम जो भी लाइन है उसमें जाने के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस दिखाती है, लेकिन आपने जो फील्ड चूज़ की है बिल्कुल अलग है, और जिस तरह से आपने अपनी फैमिली का भी जिक्र किया कि वो भी ये डरते हैं कि आप कहीं गलत तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल ना करो, लेकिन आपने हर चीज़ अपने बेसिस पर सीखी, आपने कहीं से कोई ऐसी आपको रिसोर्सेज मिले, कहीं से आपने कोई ऐसी क्लासेस नहीं ली जहां से आप ये टेक्नोलॉजी सीख सकते, लेकिन किस तरह से, क्योंकि एक शौक होता है, जिस तरह से आपने ये भी बताया कि बचपन से ही आपको इसमें इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ और वो इंटरेस्ट बनने के बाद आपने इसे कैसे पूरा किया और अभी कितने साल हो गए हैं आपको ये हैकिंग करते हुए? अराउंड मेरे को पहले बाय द एज ऑफ, मैंने बताया कि व्हेन आई वाज 10 11 इयर्स मैंने जावा गेम्स बनाता था, पर फिर लॉकडाउन में जम्मू में खासकर यहाँ पे बुक्स भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे एथिकल हैकिंग के, और मैं इतना अवेयर नहीं था इस चीज़ बात का एथिकल हैकिंग का, पर जब मेरे को अभी अराउंड आई कैन से कि 1 to 2 years मैं पढ़ता रहा, पर मेन जो एथिकल हैकिंग मैंने प्रैक्टिकली स्टार्ट की जब मेरे पास लैपटॉप मिला मेरे को, और पेरेंट्स रिसोर्सेज बेशक नहीं प्रोवाइड करते थे पर उन्होंने कभी मेरे को रोका नहीं, उनको वो हमेशा अवेलेबल रहते थे मेरे लिए, पर वो पेरेंट्स ऑलरेडी मेरी एजुकेशन पे काफ़ी स्पेंड करते हैं, मतलब जितना उनसे हो सके उससे ज़्यादा पेरेंट्स मेरे लिए करते हैं, पर वो उनको मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाता कभी सोच के कि अगर बाई चांस मैं कुछ कर ना पाया तो इनको डिमोटिवेशन होगी, तो इस फिर मैंने ट्राई करता कि खुद ही पढ़ने की कोशिश की और हैकिंग में इंटरेस्ट बना, तो जब मैं बुक्स में पढ़ता था अपनी जब मैं 11, 12, 13 एज का, तो मेरे स्कूल में भी मतलब साइंस फेयर में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, मैं सोचता था कि नॉर्मल प्रोजेक्ट से कुछ अलग बनाऊं, तो फिर मैंने थोड़ा मशीन लर्निंग में फोकस किया, तो वहाँ पे मेरे को AI से जब मेरे को अवेयर हुआ थोड़ा कि हाँ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी इंक्रीज कर रही है, और जब नए नए बिलियनर्स का जब मैं इंटरव्यू सुनता था तो वहाँ पे वो डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कि कैसे एवोल्यूशन आएंगी AI की वजह से, तो मैं समझता था कि जिस फील्ड में AI और साइबर सिक्योरिटी का कनेक्शन है वो चीज़ इंडिया में काफ़ी कम डेवलपमेंट हो रही है अभी इस ईयर में, अभी तक साइबर सिक्योरिटी के जितने स्टूडेंट्स हमें इंडिया में मिलेंगे देवर अराउंड 13 अब अराउंड 15,000 एथिकल हैकर्स हैं इंडिया में सिर्फ अभी तक, और जिस हिसाब से अगर एथिकल हैकर वही बन सकता है, मतलब इस एज में अगर आपको एथिकल हैकिंग किसी को आती होगी तो उसका IQ नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस जो चीज़ें आपको एथिकल हैकिंग में फेस करनी पड़ती है लर्निंग में, अगर उस टाइम पे हमने सही रास्ता देख लिया तो हम मतलब कुछ भी कर सकें। लेकिन ऋषि, यहाँ पर मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जब भी लोग इस तरह की टर्म्स के बारे में सुनते हैं तो बिल्कुल तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, क्योंकि हर बार जब भी हैकिंग होती है लोगों के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हैक कर लिए जाते हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अनएथिकल हैकिंग और एथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस है? एथिकल हैकिंग हम किस वजह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकती है, और किस तरह से आप लोगों को ये समझा पाएंगे कि एक एथिकल हैकर होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अगर किसी भी सिक्के के अगर दो पहलू हैं, अगर नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी भी वहाँ पर होती है, तो इसी तरह से अगर गलत तरीके से हैकिंग की जाती है तो सही तरीके से हैकिंग यहाँ पर होना भी ज़रूरी है।
जो हैकिंग का मेन स्टार्ट पॉइंट था वो था वायरस। जब कंप्यूटर वायरस बने, आई गेस पाकिस्तान में सबसे पहले कंप्यूटर वायरस बना, तो एन्यूमरेशन जिसको हम बोलते हैं किसी के सिस्टम में पेनिट्रेट करना या किसी के सिस्टम में घुसने की कोशिश करना, तो उसका डिस्कवरी इन्वेंशन तभी हुआ जब वायरस बना। तो उसके आगे फिर जब टर्म्स खुलती है कंप्यूटर्स और कॉम्प्लिकेटेड होते गए। सिंपल अगर मतलब किसी भी चीज़ में कोई भी चीज़ में फील्ड में इंक्रीज होगी तो उसमें फ्लॉज निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इस तरह फ्लॉज निकलते गए, और जब एथिकल हैकिंग अभी बाय द टाइम ऑफ जब लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी मिलियन नंबर ऑफ बिजनेसेस थे जो ऑनलाइन ग्रो की, और ई कॉमर्स वेबसाइट्स, और हर कोई अपनी फील्ड में कनेक्ट हो रहा था, तो वो ऑनलाइन होता था। तो इस वजह से पॉपुलेशन इतनी कनेक्ट हो गई इंटरनेट से कि जो इंटरनेट का वर्ल्ड था उस पर काफ़ी एवोल्यूशंस आए। और जो बात की नेगेटिव लेते हैं, जो एथिकल हैकिंग होती है वो भी अनएथिकल वे में ही करते हैं। अगर मेरे को किसी वेबसाइट के बारे में रिपोर्ट करना तो मेरे को उस वेबसाइट को पहले अनएथिकली हैक करना ही पड़ेगा, पर उस अनएथिकली हैक करने के बाद मैं उस वेबसाइट के ओनर को या उस वेबसाइट के आईटी टीम को इन्फॉर्म करना, उसको एथिकल बोलेंगे। क्योंकि अगर मैं गलत काम से सही चीज़ करना चाहता हूँ, सही चेंज बदलाना चाहता हूँ, तो उसको मैं एथिकल बोलेंगे। अब कुछ फी कंपनीज़ है वो अपने सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि लोग कंपनीज़ अपनी साइबर सिक्योरिटी में एक बजट स्पेंड नहीं करती हैं। वो अपनी वेबसाइट जब बनाती हैं उस पर लोगों का डाटा स्टोर करती हैं, तो वो डाटा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो डाटा कोई हैकर स्टील ना करें, तो उनको अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के एक साइबर सिक्योरिटी का बजट रखना चाहिए, पर वो बजट नहीं रखती हैं वो। और जिस वजह से वो प्रोग्रामर्स की सिली मिस्टेक्स की वजह से, अगर मैं कोई प्रोग्राम राइट करूंगा उसमें कोई मिस्टेक रह गई, उसमें कोई बग रह गया, तो कोई हैकर इजीली उसको अटैक करेगा, और वो सिर्फ प्रोग्रामर की गलती होगी। और इस वजह से अगर साथ में एक साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होना चाहिए, और जो उस डिपार्टमेंट पर्टिकुलर इस वजह से कि ताकि जो भी वेबसाइट बने उसका चेकअप हो एक बार ही, अगर उस वेबसाइट में कोई बग है तो उसको फिक्स किया जाए, पर इसको नोटिस नहीं किया जाता। और जब वेबसाइट का डाटा हैक होता तो फिर कंपनी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती है, वो डाटा अंडरग्राउंड डार्क वेब पे स्टील हो जाता है लोगों के द्वारा। और अभी तक कितने लोगों का आप सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर आपने किया है? अपने फ्रेंड्स का किसी का किया है, या अपने घर पे किसी रिलेटिव का, किसी कजन का, भाई बहन किसी का, अगर आपने अभी तक कुछ भी कोई सोशल मीडिया अकाउंट या कोई वेबसाइट अगर आपने हैक की है? मैंने बताया कि चाइनीज़ वेबसाइट काफ़ी हमने हैक की हैं, इंडिया के भी काफ़ी हमने वेबसाइट हैक की थी, उनमें रिपोर्ट किया था। ये कॉमनली मैंने मतलब मेरा एक वही दो दोस्त है मेरे, जब कनेक्शन बना हमारा एक फ्रांस का दोस्त, मैं कॉमनली हैक करता था, अभी भी हम कनेक्टेड हैं। तो जब बात ये वेबसाइट, लोग समझते हैं कि हैकिंग जब वो सुनते हैं तो वो सिर्फ ये सुनते हैं कि वेबसाइट हैकिंग और बैंक फ्रॉड, पर बैंक फ्रॉड स्कैमिंग और हैकिंग में फ़र्क होता है। अगर एक इंसान आपकी डिटेल से आपसे बात करके आपसे ट्रिक करके आपका कुछ चुराना चाहता है तो उसको हम स्कैमिंग बोलेंगे, उसको हैकिंग नहीं बोलेंगे। हैकिंग हम उसको बोलेंगे जब हम पर्टिकुलर किसी स्टेप बाय स्टेप किसी प्रोसेस से अपनी लर्निंग से कुछ का उस एन्यूमरेशन करेंगे, अटैक करेंगे। और इसकी वेबसाइट्स मैंने काफ़ी हैक कर चुका हूँ, अभी तक रिपोर्ट किए मैंने उनको, मतलब कुछ वेबसाइट को तो हमने डिफेस भी किया था, पर वो हम टेस्ट करते हो। और सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग की, तो मैंने कुछ दोस्तों के, जब मैं नई नई हैकिंग सीखता दोस्तों का अकाउंट हैक किया, तो कुछ दोस्त मेरे को रिपोर्ट करते थे कि हाँ अगर ये किसी के बारे में कोई फेक अकाउंट बनाता था, तो मैंने काफ़ी उस अकाउंट को मतलब कुछ सिंसियर लोगों को या कुछ बच्चों को जो अब्यूजिव थे होते थे या कुछ गलत करते थे, तो मेरे को दोस्त इन्फॉर्म करते थे कि क्या तू ये कर सकते। मैंने बोला वाई शुड यू इन्फॉर्म साइबर पुलिस, पर वो बोलते थे नहीं 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 जैसे नॉर्मल लोग पुलिस से डरते लेकिन कभी हैं। फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कभी उनको ये बोल के ब्लैकमेल किया है कि मैं तेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लूंगा या मैं वायरल कर दूंगा? वो अभी भी इस बात से डरते हैं, वो बोलते कि इससे पंगा मतलब नहीं, हैक कर देगा। ये चीज़ काफ़ी कॉमन, कुछ दोस्त हैं जो जो मेरे सर्कल में जो जानते हैं मैं क्या क्या करता हूँ, मतलब कुछ दोस्त काफ़ी इन्फ्लुएंस भी होते हैं मेरे से कि मेरे को भी सिखा। मैंने बोला जब तक तू खुद नहीं सीखेगा तब तक मैं कैसे सिखाऊंगा, तेरे को पर्टिकुलर सोच नहीं, तेरे को स्किल्स बनानी पड़ेंगी। और इस चीज़ में, इस फील्ड में जिसने स्किल बनाई उसका डेफिनेट माइंड इतना ग्रो कर जाता है कि वो गलत और सही की चीज़ को समझ सकते हो, और वो वर्ल्ड का बेटर अंडरस्टैंडिंग रख सकता है। और तभी मतलब मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं अपने डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर, मेरे को ये कि जो चीज़ मेरे को प्लान्स मेरे पर्टिकुलर फिक्स प्लान्स, और उसको मैंने एग्जीक्यूट करना, जिससे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी फ़र्क, मतलब काफ़ी डिक्रीज़ हो सकती है। 1% एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज़ होना भी काफ़ी इमेज बड़ा चेंज होता है। तो अगर ये कुछ रिफॉर्म, अगर मेरे मतलब रेज माई वॉ आई शुड रेज माई वॉइस की, ताकि मेरे को और इन्फ्लुएंस मिले और मेरे को ऑफिशियल्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स या उनकी रीच मिले, ताकि मैं उनके साथ एक फ़ेस टू फेस एक
डिस्कशन कर सकूँ, उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ कि मेरे क्या क्या प्लान्स हैं। मैं एक बुक भी लिख रहा हूँ मैं, और साथ ही साथ मैं रोड सेफ्टी के भी एक प्रोजेक्ट मैंने इन्वेंट किया था, उसका भी मैंने एक अभी तक मॉडल आर्किटेक्चर रखा हुआ है सेव करके। काफ़ी आइडियाज़ मैंने, मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप हमें ऑडियंस के लिए कुछ डिमॉन्स्ट्रेट भी करके बताएं कि आप किस तरह से कोई भी वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट किस तरह से आप हैक करते हैं, साथ साथ आपसे बात भी करेंगे। तो सोशल मीडिया हैकिंग की बात होती, तो सोशल मीडिया हैकिंग एक ही टर्म पे आके अटकती है, फिशिंग पे। उस फिशिंग के लिए हमें एथिकल हैकिंग आनी चाहिए, पर सोशल इंजीनियरिंग, इसको हम सोशल मीडिया हैकिंग और सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, पर सोशल इंजीनियरिंग काफ़ी छोटी टर्म है। इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर मैं काफ़ी इजीली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। मतलब इवन अगर आपको 4 लाइन्स का कोड आप याद कर लोगे तो आप भी ये अटैक कर सकते हो। पर लोग मतलब बच्चे डर जाते हैं जब वो बोलते कि हाँ IT की फील्ड में स्टडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, मैथ्स होगा, या इसमें फियर है, हमें कोई भी अटैक कर सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, व्हेन यू फॉलो द सेफ्टी मेजर्स एंड यू फॉलो द सेफेस्ट पाथ, यू गो ऑन द सेफेस्ट पाथ, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। दिस विल दैट गोना गिव यू बेटर रिजल्ट्स ऑलवेज। और जिस तरह से बुक भी लिख रहे हैं आप, तो उसका क्या कुछ कॉन्सेप्ट है और किस तरह से आइडिया है? हम जैसे अभी सोशल मीडिया काफ़ी गलत इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है इस जनरेशन में, बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है सोशल मीडिया का, काफ़ी फेक मोटिवेशन मिल रही है सोशल मीडिया। बच्चे ये समझते हैं कि वो YouTube पे या Instagram पे स्क्रॉल करके जो अपना 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट करके वो मोटिवेशन लेक्चर सुनते हैं, फिर उसको उनके बाद उनके अंदर जनरेट होता है फेक कॉन्फिडेंस। वो पॉपुलैरिटी पे बिलीव कर लेते हैं, अगर कोई पॉपुलर पेज पे कोई पॉपुलर अगर कोई कंटेंट पोस्ट होगा या कोई रील पोस्ट होगी किसी पॉपुलर पेज पे, तो उसको सच मान लेंगे। अगर कोई बिलियनर, अगर कोई इंसान आपको एडवाइस दे रहा है कि हाउ टू बिकम अ बिलियनर, पर वो अगर हम ये सोचना चाहिए कि वो खुद बिलियनर है पर वो खुद एडवाइस कैसे दे सकते हैं, फिर हमें अगर कुछ करना तो उसका पाथ हमें खुद ही बनाना पड़ेगा। जो बिलियनरी हम किसी बिलियनर की बैक स्टोरी देखें, हर किसी की अपनी अलग स्टोरीज होती हैं, उनका हर किसी का अपना अलग प्रोसेस होता है। किसी ने 10th के बाद ड्रॉप आउट किया था, पर इसका मतलब बच्चे सोचते थे कि हाँ ये भी ड्रॉप आउट करके कुछ छोटा काम करेंगे, पर वो बाय द टाइम वो फेल हो जाते बिकॉज ऑफ लेस कॉन्फिडेंस एंड लेस मोटिवेशन लेस नॉलेज। पर उसी जगह अगर वो अगर किसी पर्टिकुलर मैनेजमेंट सीख लें और अपनी स्टडीज़ के साथ कुछ भी कंटिन्यू करें, इंटरेस्ट रखें समझदारी से, तो हमेशा वो सक्सीड कर सकते हैं। लेकिन ऋषि, मुझे लग रहा है आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत से लोग आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते होंगे, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अपने नोन्स का कुछ ना कुछ वो उन्हें चिढ़ाने के लिए या फिर उन्हें डराने के लिए वो हैक करवाना चाहते होंगे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो अगर वो आपसे मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं या आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप हैकिंग करते हैं, तो आपसे वो किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आपका सोशल मीडिया अकाउंट अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। मैं सोशल मीडिया अकाउंट पर मैंने बताया, जैसे हम वेबसाइट हैक करते तो हम पर्टिकुलर अपना नेम रिफिल करते, पर इन सोशल मीडिया आई एम नोन बाय नेम वाइपर, तो साथ में मैंने अपना नाम रखा है वाइपर हैक्स। और अगर मेरे को प्रोफेशनली कंटैक्ट करना हो तो मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल रहता हूँ, मोस्टली मैं लिंक्डइन और ट्विटर पे अवेलेबल रहता हूँ। ट्विटर पे बाय द यूजर नेम ऑफ RK ऋषि RESHWE। और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ वाइपर हैक्स के नाम से, मतलब मैं पोस्ट करते रहता हूँ कंटेंट उसमें भी, और अनएथिकल नहीं बट एथिकल वे में मैं मतलब इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करता हूँ। लिंक्डइन पे मैं इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर करता हूँ। जब भी मेरे को इंटरव्यू से पहले मैंने काफ़ी कॉन्टैक्ट सोचा कि मैं किसको कॉन्टैक्ट करूँ, तो मैंने कुछ बिजनेसमैन को भी जो बिलीव करते हैं AI में और टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, मैं कॉन्टैक्ट किया, पर उन्होंने मतलब स्किप कर दी मेरी बात को, मतलब सुना नहीं। और उन्होंने जिसमें को ये कहा कि आई विल गेट बैक टू यू सून, पर उसके बाद मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला पर्टिकुलर उस तरफ से। लेकिन आप किस तरह की हेल्प चाहते हैं गवर्नमेंट से भी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की अगर बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ इसके लिए आपको चाहिए अगर आप इसमें अपना करियर देखना चाहते हैं, और इसके लिए आप जम्मू कश्मीर सरकार से कोई हेल्प मांगना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी वेबसाइट्स जो है वो आए दिन हम देखते हैं कि वो हैक हो जाती हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल इशूज़ उसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं या किसी भी तरह की कोई मदद आप इस फील्ड में दे सकते हैं अपने इस टैलेंट के जरिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को अगर बात आती है कि अपने फ्यूचर देखना, तो मेरे को सिर्फ मेरे डिफरेंस ये है कि मेरे को सिर्फ अपना ही फ्यूचर नहीं, मेरे को फ्यूचर बनाना भी है किसी का।
मेरे को पर्टिकुलर एक गाइडेंस मैंने एक पर्टिकुलर मैंने प्लान एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए मेरे को पर्टिकुलर एक पॉइंट पे पहुंचना है जहाँ पे जिनके सामने मैं बैठा हूँ एटलीस्ट उनके हाथ में कुछ ऐसी पावर हो कि मैं उनको जब डिमॉन्स्ट्रेट करूँ वो सच में मेरे प्लान में इंटरेस्ट दिखाएं, उनको मेरे प्लान में इंटरेस्ट है, ना कि ये मैटर करके कि एज इस 15 साल की उम्र में कुछ नहीं कर सकते, पर जब आप स्किल्स एक्वायर करते हो पॉजिटिव वे में, एक पर्टिकुलर वे में तुमने स्किल्स एक्वायर की हो और तुमने उतना स्ट्रगल किया हो कि हाँ तुम्हें कुछ करना, तो वो डेफिनेटली वो वर्क करेगा ही। पर मेरे को मेन सपोर्ट फ्रॉम वेरी बिगनिंग, अब जैसे मैं छोटी बिगनिंग ही होगी तो तभी आगे तक पहुंच पाऊंगा, ऐसे मेरे को स्मॉल हेल्प चाहिए ऑफिशियल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, मेरे को पॉलिटिकल लीडर्स की काफ़ी हेल्प चाहिए अपनी बात आगे पहुंचाने के लिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए जो जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है तो मेरे को नेचुरली बीजेपी के पॉलिटिशियन से काफ़ी सपोर्ट चाहिए अपनी बात, मतलब जैसे बाय द टाइम अभी मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइम बाद मैं नेशनल टीवी पे, नेशनल न्यूज़ चैनल पे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा अटैक्स, हैकिंग अटैक्स किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने। तो बिल्कुल जो ऋषि ने हमें यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाई है, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो जो एक फेक यहाँ पर प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई गई थी उसे जब हैक किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम यूजर, टेस्ट यूजर, ये भी पूरी तरह से शो कर रहा है, जो उसका पासवर्ड था उस प्रोफाइल का वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, इवन कि उसका आईपी एड्रेस, उसका किस ब्राउजर से किया गया है, लोकेशन कहाँ से है, कहाँ से ये हैकिंग हुई है, जियो लोकेशन, करेंसी, हर चीज यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। तो यानी कि इसी तरह से जो हैकर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं लोगों को, क्योंकि लोगों को इन टर्म्स के बारे में पता जरूर है लेकिन इसके बारे में नॉलेज नहीं है, और बहुत बार ऐसा भी होता है ऋषि कि लोगों को पता है कि उनकी वेबसाइट या उनका अकाउंट, उनकी प्रोफाइल जो है वो हैक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें आगे क्या करना है। इसका सिर्फ एक रीजन ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, पर कुछ तरह जैसे हम डेफिनेटली हम बहुत बड़ी पुलिस की बात नाम सुनते जब तो हम काफ़ी डर जाते, तो लोग डर जाते कि वो साइबर पुलिस में नहीं जाएंगे ताकि FIR फाइल कंप्लेंट करनी पड़ेगी, पर इस नाम से वो डर जाते और वो काफ़ी क्यूरियस हो जाते कि वो कुछ नहीं करेंगे और सिंपल वो फिर खुद भी गलत स्टेप ले सकते हैं या वो उसको बात को सिर्फ स्किप कर देते हैं। ऋषि हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले समय में आपका फ्यूचर इसी तरह से ब्राइट हो और जो भी सरकार की अगर बात करें या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन तक भी आपकी ये बात पहुंच जाए और कहीं ना कहीं वो आपसे कांटेक्ट जरूर करें। तो जिस तरह से आज की जनरेशन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए किया जा रहा है, बच्चे रील्स बना रहे हैं, बाकी कोई भी क्रिएटिव कंटेंट जो है वो चढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऋषि से हमने बात की है इनका इंटरेस्ट कुछ और ही है, ये बिल्कुल टेक्निकल जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसमें जो है कहीं ना कहीं अब अपना फ्यूचर जो है वो देख रहे हैं, और खास तौर पर हैकिंग की ये जो फील्ड है इसे एथिकल तरीके से ये इस्तेमाल करना चाहते हैं और अब इन्हें जरूरत है एक सपोर्ट की, तो वो सपोर्ट अब इन्हें जो है किस तरह से दिया जाता है ये आने वाले समय में देखना होगा। तो चलिए अभी के लिए फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।